जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 7th चैप्टर त्रिभुज के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आप ध्यान से देखें, फिगर थोड़ा सा हल्का बना हुआ है। फिगर में दिया हुआ है यल और यम दो समांतर रेखाएं। देखिए, एक रेखा यल है और दूसरी रेखा यम है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और पी और क्यू, देखिए ये पी है और ये क्यू है, ये का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब ये यल और यम ये तो दोनों समांतर रेखाएं है ही हैं, पी और क्यू भी समांतर रेखाएं हैं। आप पी और क्यू यल और यम को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? तो ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी। फिगर देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, चलो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग नोट करेंगे, प्रश्न में जितना दिया होता है वो नोट किया जाए। तो देखें, दिया है कि पी एल और एम, यल एवं यम दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें अन्य समांतर रेखाओं का युग्म P और Q क्रमशः A B C D पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए दोनों सर्वांगसम हैं। तो चले देखते हैं, अब हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लोग प्रूफ देखेंगे और प्रूफ में हम दोनों त्रिभुज देखेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हम लेंगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में जरा ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं यल और यम दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको ये तीसरी रेखा काट रही है। तो देखें, ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण होंगे और आपको पता है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा कोण ए सी डी। यहाँ लिखते हैं कोण बी ए सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। और इसी प्रकार जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, ये कोण तो एकांतर कोण है ही हो गए, अगर इनको देखें तो ये कोण और ये कोण भी एकांतर कोण होंगे।
और एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ये हो जाएगा डी ए सी, कोण डी ए सी इज इक्वल टू कोण ए सी बी, ये हो गया कोण ए सी बी। तो देखें दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए और दोनों एकांतर कोण थे। यहाँ लिख देंगे किनारे एकांतर कोण, यहाँ जवाब इसका लिखना जरूरी होता है। ये हो गया एकांतर कोण। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये जो भुजा एसी देख रहे हैं, भुजा एसी त्रिभुज एबीसी में भी है और यह एसी त्रिभुज एसीडी में है, यानी यह एसी दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन होगा तो ये आपस में बराबर होगा। यहाँ लिख दिया जाएगा एसी बराबर एसी, और ये दोनों आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि उभय निष्ठ है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, दो कोण आपस में बराबर हो गए और एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो अब इस प्रकार यहाँ पर ए यस ए कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि ए बी सी और सी डी ए दोनों सर्वांग सम होंगे, और यहाँ लास्ट में लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन के प्रत्येक बात को ध्यान से समझना चाहिए और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखिए दिया है कि ये रेखा यल है, रेखा यल कोण ए को, यह कोण ए है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। और बी, फिगर देखिए, बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी ये जो रेखा यल है यह कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। देखिए ये बी पी और बी क्यू इस भुजा और इस भुजा पर डाले गए लंब हैं, और आपको पता है कि लंब हमेशा 90 अंश का होता है, ये कोण 90 अंश का होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए त्रिभुज ए पी बी। फिगर देखिए, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, ये ए क्यू बी, इन दोनों त्रिभुजों को दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और फिर आपको ये भी दिखाना है कि बी पी और बी क्यू ये भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात बी, बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होंगे, यानी बी क्यू और बी पी दोनों की दूरी जो होगी समान होगी, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो प्रश्न में जो चीज़ दिया था पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि उसको अपनी भाषा में लिखा जाता है, चलिए हम लिख रहे हैं। दिया है, यहाँ नोट किया जाएगा, दिया है रेखा यल
कोण ए को, कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। और फिर क्या दिया हुआ है, तथा बी यल पर कोई बिंदु है, तथा बी रेखा यल पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, तथा बी क्यू और बी पी भुजाओं पर लंब है, बी पी एवं बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर लंब है, कोण ए की भुजाओं पर लंब है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि फर्स्ट में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी क्यू के। और फिर सेकंड में आपको दिखाना है कि बी पी और बी क्यू दोनों आपस में बराबर होंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये तो प्रश्न की चीज थी, प्रश्न में जितना दिया होता है उसको अपनी भाषा में हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग सिद्ध करना शुरू करेंगे, तो या तो यहाँ हम सत्यापन लिख दें या प्रूफ लिख दें, दोनों चीज़ें एक ही हैं, या मन करे तो दोनों लिख दें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सिद्ध करने जा रहे हैं और लेते हैं त्रिभुज ए पी बी। देखिएगा फिगर, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में, जरा आप ध्यान दीजिए, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है। बराबर इसलिए है क्योंकि प्रश्न में दिया है कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो लिख दिया जाएगा कोण बी ए क्यू, बी ए क्यू इज इक्वल टू कोण बी ए पी, कोण बी ए पी। अब क्यों बराबर है तो यहां किनारे लिख देंगे, कोण ए पी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए बी क्यू में लिया गया था, चलिए लिखते हैं। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, अगर इसको हम ए क्यू बी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम हैं। चलिए ये ए क्यू बी, तो अब देखिए आप जरा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और यहाँ लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में रेखा यल कोण ए का समद्विभाजक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ये कोण, कोण बी पी ए और कोण बी क्यू ए, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये लंब है और लंब हमेशा 90 अंश का होता है। लिख देंगे कोण बी पी, कोण बी पी ए बराबर लिख देंगे कोण बी क्यू ए, और ये दोनों 90 अंश का है और ये प्रश्न में दिया है, तो दिया है तो यहाँ लिख दिया जाएगा दिया है। अब इसके बाद देखें, ये जो भुजा ए बी आप देख रहे हैं, यह ए बी पहले भी त्रिभुज में है और दूसरे भी त्रिभुज में है, पहले वाले त्रिभुज में भी ए बी है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी ए बी है, तो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा, और ए बी बराबर ए बी होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यहाँ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी,
और यहाँ लिख दिया जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं, अब यहाँ देखें दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो फिर यहाँ पर भी लग जाएगा ए यस ए सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी से। और फिर यहाँ दिखा दिया जाएगा कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और ये लिख देंगे दैट प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था। अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में आपको हम बता दें सेकंड के लिए सी पी सी टी लगेगा। सी पी सी टी में हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो इस त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज की भुजा बी पी और इस त्रिभुज की भुजा बी क्यू, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ लिख दिया जाएगा कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से। सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये भी हो जाएगा दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।